यूपी के रामपुर में फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही थाना खजुरिया पुलिस। पीड़ित परिजनों ने उच्च अधिकारियों से लगाई गिरफ्तारी की मांग। बिलासपुर थाना खजुरिया क्षेत्र में मंजीत सिंह और उसके दोस्त सचिन दीप सिंह पर उस समय जानलेवा हमला कर दिया जब 11 सितंबर को अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। आपको बता दें, आसपास के ही जयदीप सिंह पुत्र सतनाम सिंह, जसलीन सिंह पुत्र जयदीप सिंह और उसके अलावा दो अन्य साथी आए और गाली गलौज करने लगे। जब विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद घर से असला लेकर फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में जो है पीड़ितों के फायरिंग के कुछ छर्रे उनके लगे हैं जिससे वो घायल हो गए। उनको इलाज कराया गया जहां उनको बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि इस घटना को 13 दिन बीत चुके हैं मगर थाना खजुरिया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी उनको धमका रहे हैं और केस वापस करने की धमकी दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले में उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई और उन सभी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। कुछ नहीं हुआ था, मैं अपने घर के दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वो आए पहले लाठी लेके, जिनके साथ मेरा इतना वो नहीं था, खाली वो भी मेरी तरफ देखता था, मैं भी देखता था। हम दोस्त लोग बैठे हुए थे अपने घर पे, तो वो आगे लाठी लेके फिर वो चले गए, दोस्तों ने चले गए। फिर बाद में वो बंदूक लेके आए, उन्होंने सीधी फायरिंग कर दी हमारी। मेरे लगे हैं ये शरले और मेरे दोस्त के लगे हैं सचिन दीप सिंह के। कौन लोग हैं ये? गाँव में रहते हैं यहाँ पे पास में। क्या नाम है गाँव का? गाँव का नाम है बिशनपुरी। अच्छा, गाँव में रहते हैं। हाँ जी। तो क्यों, रंजिश थी क्या कोई आपकी? कोई नहीं, ऐसी तरह की कोई रंजिश नहीं थी। अच्छा, आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी थाने? हाँ जी, थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और मुझे धमकी दे रहे हैं। हाँ, अभी भी मैं घर पे लेटा हुआ हूँ, तबीयत खराब है। ये मेरे अभी निकले नहीं है, अंदर ही है ये छर्रे जो लगे हुए। कितने छर्रे लगे? मेरे लगे हुए 18-19 छर्रे लगे हुए। एस पी रामपुर से क्या गुहार लगाते हो आप? एस पी सी से यही कहते हैं कि दरख्वास्त करते हैं जल्दी से जल्दी ये पकड़े जाएं, गिरफ्तारी हो इनकी। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है? 3 लोगों के। कौन कौन है? एक का नाम है जसलीन जिसने फायरिंग की हुई है, वैसे मुझे पता नहीं है, पर साथ वालों ने जिन्होंने देखा उसका नाम बता रहे हैं जसलीन सिंह ने फायरिंग की है। और उनके पिताजी का नाम है जयदीप सिंह और जयदीप सिंह के पिता का नाम है सतनाम सिंह फौजी। ये 3 आरोपी हैं। तो मतलब फायरिंग करने का उचित क्या है, मतलब क्या मतलब है? उचित कुछ भी नहीं, ऐसा इतनी वो नहीं थी, बस ये था कि मैं भी उसकी तरफ देखता था, वो मेरी तरफ देखता था काफ़ी। तो इतना उन्होंने देखा कि घर पे दोस्त लोग बैठे हुए हैं काफ़ी। अच्छा। तो यहाँ पे हाँ आए तो इस चक्कर से उन्होंने बस सीधी पहले आए डांगे लेके, लाठियाँ लेके, तो बाद में उन्होंने सीधा फायरिंग कर दी। अच्छा, जब फायरिंग हुई तो उसके बाद पुलिस कितनी देर बाद पहुंची थी मौके पे? पुलिस लगभग मेरे को तो ले गए थे उठा के, मुझे तो पता ही नहीं है। आप बेहोश हो गए थे? हाँ जी, तो मेरा भाई और फ्रेंड ले गए थे मेरे को उठा के हॉस्पिटल। आप क्या चाहते हो इसमें? मैं यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मंजीत सिंह, क्या हुआ बेटे को? एकदम उन्होंने सीधी फायरिंग करी है हमारे ऊपर, तो काफी इसका यार दोस्त है, उसके भी गोली लगी है, इसके भी लगी है, उसकी तो आंख बहुत खराब है। हमें तो ये प्रशासन से ये मदद चाहिए, हमको गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी नहीं हो रही है? हाँ जी, नहीं हो रही। करीबन ये रात 11 तारीख की बात है। अच्छा। हाँ जी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो रिपोर्ट दर्ज कर ली थी? हाँ जी, इसी टाइम कर दी थी। 1 बाद पुलिस आ गई थी। सीओ साहब भी आए थे? ये पता नहीं मुझे कौन कौन आए थे, हम नहीं जानते। तो बहरहाल आप क्या मांग करते हो आप? हम तो ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, मेरे बच्चे को खतरा है। ठीक, क्या नाम आपका?